प्री डीएलएड 2022 परीक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आपके सवाल जिनके बारे में आज इस वीडियो में विस्तार से आपसे चर्चा करने वाले। सवाल नंबर एक, प्रदेश भर से बहुत से हमारे परीक्षार्थियों ने पूछा है कि क्या अभी भी प्री डीएलएड की और लिस्टें आएंगी जिसके अंतर्गत अभी और कॉलेज आवंटन का कार्य जारी रहेगा। दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया चलती रहेगी तो प्री डीएलएड 2022 का सत्र कब शुरू होगा, नियमित क्लासें कब से जारी होंगी। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, प्री डीएलएड 2022 के विद्यार्थी अपनी उत्तर मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो उनकी तिथि कब तक रहेगी, क्योंकि फिलहाल 31 मार्च इसकी अंतिम तिथि, क्या इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। आज का बड़ा और अंतिम सवाल कि प्री डीएलएड 2022 के जो परीक्षार्थी हैं उनको जब अपवर्ड मोमेंट के बाद में कॉलेज का आवंटन हुआ है तो क्या अपवर्ड मोमेंट के बाद में नई जो संस्था उनको अलॉट हुई है उसमें अटेंडेंस देने के बाद में उनकी उपस्थिति कहीं शॉर्ट तो नहीं पड़ जाएगी। इन्हीं आपके बड़े सवालों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधारा हरसोली चैनल। शिक्षा रोजगार से जुड़ी यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि बेरोजगार परीक्षार्थियों विद्यार्थियों को समर्पित इस चैनल पर आज की प्रत्येक जो आपकी आवाज़ होती है उसको बुलंद तरीके से उठाया जाता है। आज बात कर लेते हैं आपके सबसे पहले सवाल के ऊपर कि आखिर क्या अपर मोमेंट और द्वितीय काउंसलिंग के अंतर्गत कॉलेज आवंटन की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, इसके बाद और भी लिस्टें आएंगी या नहीं आएंगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि जहां तक सरकार की मंशा है, इतना डिले होने का कारण भी कुछ कॉलेज थे जिनको एनओसी नहीं मिल पाई थी और उन्होंने कोर्ट में इस मैटर को वो लेकर गए जिसकी वजह से ये सत्र इतना थोड़ा लेट हुआ। लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट है कि 22 मार्च के बाद में अब आपको और देरी देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल स्पष्ट है। अब अपर मोमेंट की आपकी जो सहमति 12 मार्च को हुई थी उसके बाद 15 मार्च को इसका रिजल्ट आया था, इसके बाद द्वितीय संस्थान आवंटन की लिस्ट भी इसी के साथ डली थी जिसकी 22 मार्च तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग कराना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद में 1 अप्रैल से जहाँ तक संभावना है आपकी नियमित रूप से कक्षाएँ भी शुरू हो जाएंगी क्योंकि सत्र काफ़ी लेट हो चुका है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपका सत्र अप्रैल से आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। 31 मार्च तक अभी आपके पास समय है, कॉलेज रिपोर्टिंग के बाद भी तुरंत आप आवेदन करा सकते हैं, अन्यथा आप लगभग तय मान के चलिए आपके आवेदन की स्कॉलरशिप आवेदन की तिथि, स्पेशल वो ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अपने कोर्स के अंतर्गत प्रवेश नहीं ले पाए थे उनके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से डेट बढ़ाई जाएगी। जहाँ तक संभावना है आपको स्कॉलरशिप आवेदन का मौका जरूर दिया जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं करें। जहाँ तक बात है शॉर्ट अटेंडेंस की, अपर मोमेंट के बाद में जिस संस्था में आपको रिपोर्टिंग करवाने जा रहे हो पिछली संस्था से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नई संस्था में रिपोर्टिंग के बाद में आपकी अटेंडेंस उसी तारीख से, क्योंकि आपकी जो ग्रॉस अटेंडेंस होगी वो सामान्य जो कैंडिडेट होते हैं उनके मुकाबले कम करके और उसी के आधार पर आपकी उपस्थिति की कैलकुलेशन की जाएगी। इस संबंध में भी आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। ये लगभग मान के चले अप्रैल से आपका जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा, पोस्ट स्कॉलरशिप के लिए भी आपको मौका दिया जाएगा। फिर भी प्री डीएलएड से जुड़ी आपकी कोई क्वेरी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही, नमस्कार।